सीओ जून को 10 साल बाद अपनी आंखों के सामने देखने के बाद ओरिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। ओरिन खुद से कहती कि मैंने तुम्हें 10 साल बाद अपने सपनों में देखा है, तो ऐसा मौका मैं हाथ से तो नहीं जाने दूंगी ना। इतना कहकर ओरिन बस से नीचे उतर जाती है और सीओ जून की साइकिल का पीछा करने लगती है। वो सीओ जून को कई बार आवाज देकर भी बुलाती है, पर सीओ जून था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओरिन जब स्कूल के अंदर सीओ जून का पीछा कर रही थी तो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके पैर पे बहुत गहरी चोट आ जाती है। ओरिन अपने घाव पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सपना ही तो है। कौन सा असलियत में उसके पैर पर चोट आई है। अपने घाव को नजरअंदाज करते हुए ओरिन सीओ जून के पीछे फिर से भागने लगती है और पहुंच जाती है फिर से उसी फोटोग्राफी रूम में। रूम में पहुंचकर ओरिन देखती है कि वहां पर कोई नहीं है, तो वो निराश होकर वापस उस रूम से जाने लगती है। तभी ओरिन को पीछे से सीओ जून की आवाज आती है। सीओ जून ओरिन से पूछता है कि तुम आज भी लेट हो। सीओ जून की आवाज सुनकर ओरिन अपने आप को संभाल ही नहीं पाती और भागते हुए सीओ जून को हक कर लेती है और साथ ही साथ उससे ये भी कहती कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओरिन का ये बिहेवियर देखकर सीओ जून को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि सीओ जून के हिसाब से वो ओरिन से कल ही मिला था। सरप्राइज्ड सीओ जून ओरिन से पूछता भी कि चल क्या रहा है। तभी फोटोग्राफी रूम में सीओ जून और ओरिन के फ्रेंड्स आ जाते हैं। इन तीन फ्रेंड्स में से दो एक दूसरे को डेट कर रहे थे और तीसरे फ्रेंड का नाम यून सॉन्ग था, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। हायरिन और सीओ जून को ऐसे हक करता देख दोस्तों को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। डेटिंग वाली बात सुनने के बाद यून सॉन्ग का मुंह थोड़ा उतर सा जाता है। तभी सारे फ्रेंड्स नोटिस करते कि हायरिन के पैर से बहुत खून निकल रहा है। हायरिन अपनी चोट को फिर से अनदेखा करने लगती है, पर सीओ जून हायरिन का हाथ पकड़ के उसे मेडिकल रूम में ले जाता है और वहां पर गुस्से में हायरिन की चोट पर दवाई लगाता है। सीओ जून इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मेडिकल टीचर अपने ऑफिस में थे ही नहीं, पर हायरिन इस बात से बहुत खुश थी क्योंकि उसकी चोट पर सीओ जून जो दवाई लगा रहा था। सीओ जून हायरिन से पूछता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, तो हायरिन अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि मुझे दर्द क्यों होगा, ये तो सिर्फ एक सपना है ना। तो सीओ जून डिस्कस्टिंग सा फेस बनाते हुए हायरिन से पूछता है तुम सुबह अपने सिर पर गिरी हो क्या, जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। सीओ जून के स्टॉन्ट पर भी हायरिन पागलों की तरह मुस्कुराने लगती है। तभी यूनसोंग कमरे में आता है और हायरिन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। हायरिन के हाँ कहने पर यूनसोंग उससे पूछता है मैं तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ सकता हूँ, पर हायरिन उसे मना कर देती है और कहती कि मैं अकेले ही चली जाऊंगी। हायरिन की ये बात सुनकर सीओ जून वहाँ से चला जाता है और हायरिन वापस आकर अपनी क्लास में बैठ जाती है। दोस्तों उससे पूछते भी कि तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, तुम्हारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है क्या। तो हायरिन सैड फेस के साथ कहती है नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। इतना कहने के बाद पता नहीं हायरिन को क्या होता है, वो खुशी से कूदने लगती है और अपने क्लास रूम से बाहर चली जाती है और सीओ जून की क्लास की विंडो के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और सीओ जून को अजीब अजीब से इशारे करने लगती है। हायरिन की हरकत देखकर सभी क्लासमेट्स उस पर हंस रहे थे और सीओ जून एम्बेरस हो रहा था। सीओ जून के क्लास टीचर जैसे हायरिन को इस हरकत के लिए डांटने वाले होते हैं, वो विंडो के पीछे छुप जाती है और टीचर के डांट से बच जाती है। सीओ जून की क्लास जैसे ही खत्म होती है हायरिन उससे जाकर पूछती है क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगे, तो जवाब में सीओ जून ना कहता है। पर हायरिन इतनी आसानी से कहां सीओ जून का पीछा छोड़ने वाली थी, वो उसके पीछे पीछे जाती है और जबरदस्ती से सीओ जून की साइकिल की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। सीओ जून के पास भी कोई चारा नहीं बचता और उसे हायरिन को अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। सीओ जून ओरिन को अपने साथ उसी फोटो स्टूडियो में ले जाता है जहाँ पर ओरिन को फर्स्ट एपिसोड में सीओ जून की लास्ट क्लिक की गई फोटोग्राफ्स मिली थी। स्टूडियो के बाहर खड़े रहकर सीओ जून ओरिन से पूछता है अगर मैं तुम्हें अपने साथ अंदर नहीं ले गया तो भी तुम जबरदस्ती मेरे पीछे आ जाओगे ना। तो ओरिन कहती ये भी कोई पूछने की बात है, अब से तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। इतना कहकर ओरिन स्टूडियो के अंदर चली जाती है और सीओ जून के चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। स्टूडियो के ओनर ओरिन को देखते से ही कहते तुम तो वही हो ना। ओरिन को स्टूडियो ओनर की बात नहीं समझ में आती है। तभी सीओ जून उस ओनर से अपनी फोटोज मांगता है जो कि उसने डेवलप करने के लिए दी थी। ओनर फोटोज को डेस्क पर रख देते हैं और सीओ जून को कुछ काम बताकर उसका ध्यान भटका देते हैं। सीओ जून जैसे ही डेस्क से दूर जाता है उतनी ही देर में ओरिन उस एनवेलप को खोलकर देखती है जिसमें ओरिन की ही बहुत सारी फोटोज थी। वो ओनर ओरिन से कहते भी कि मुझे तुमसे असलियत में मिलकर बहुत खुशी हुई। ओरिन को उस ओनर की बात नहीं समझ में आ रही थी, तो वो ओनर बताते हैं कि सीओ जून हर बार बस ओरिन की ही फोटोज क्लिक करता है। सीओ जून का काम खत्म होने के बाद जब ओरिन और वो वहां से जाने लगते तो ओनर ओरिन से कहते कि संभल कर रहना, अगर तुम पास्ट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करूंगी तो चीजें आगे बिगड़ सकती है। उस ओनर की ये बात सुनकर ओरिन के दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। स्टूडियो से बाहर आकर ओरिन सीओ जून की एक फोटो क्लिक करती है और ओरिन जब साइकिल पे बैठती है तो सीओ जून उसका हाथ अपनी वेस्ट पर रख लेता है। ओरिन को ये बात बहुत अच्छी लगती है
और इन दोनों की बाइसिकल राइड और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाती है। तभी ही अचानक से ओरिन के कानों में एक तेज आवाज आती है और ओरिन जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो वापस प्रेजेंट में आ चुकी है। अगली सुबह ओरिन नोटिस करती कि उसके पैर पर एक अजीब सा निशान है जो कि पहले नहीं था। ओरिन को याद आता है कि वो अपने सपने में गिर गई थी, पर वो यही सोचती कि सपने में आई हुई चोट हकीकत में कैसे दिख सकती है। ओरिन इस चोट पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो लेट हो रही थी। अपने ऑफिस के रास्ते में ओरिन युनसोंग से मिलती जो कि अब एक रिपोर्टर बन चुका था। ओरिन और युनसोंग एक कैफे में जाते हैं। वहाँ पर पहले तो ओरिन युनसोंग को टीस करती है, पर बाद में जब उन दोनों का हंसी मजाक खत्म हो जाता है तो ओरिन युनसोंग से पूछती है कि क्या तुम मेरी इस चोट के बारे में जानते हो। तो युनसोंग बताते हैं कि ये चोट तो तुम्हें बहुत पहले लगी थी जब हम स्कूल में हुआ करते थे। युनसोंग और डिटेल में बताता है कि तुम्हें याद नहीं, तुम्हें उस दिन अपने घुटने पर चोट लग गई थी और तुम सियोजुन के साथ क्लिनिक में भी गई थी। ओरिन को युनसोंग की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर युनसोंग उससे कहता है कि उसे अपनी याददाश्त पर पूरा यकीन है। युनसोंग की बातों पर जब ओरिन गौर फरमाती है तो उसे याद आता है कि चोट लगने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था। दरअसल ओरिन के माइंड में चोट को लेकर नई मेमोरीज आ रही थी। ओरिन को तो समझ नहीं आता कि एक सपने में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो किसी का आज बदल सकता है। युनसोंग ओरिन से पूछता भी है कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी थी। तो ओरिन युनसोंग से कहती है कि अब मुझे सब याद है और हड़बड़ाहट में वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर ओरिन दोस्तों को भी कॉल करती है और उससे हाई स्कूल में आई हुई अपनी चोट के बारे में पूछती है। तो दोस्तों कहती है हाँ मुझे वो चोट याद है क्योंकि तुम और सियोजुन स्कूल से बाहर गए थे और जब टीचर ने मुझसे तुम दोनों के बारे में पूछा था तो मैंने उन्हें बताया था कि सियोजुन तुम्हें लेकर हॉस्पिटल गया है, पर जब टीचर को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे पनिश किया। दोस्तों ओरिन से पूछती भी कि तुम ये सब बीती बातें आज क्यों पूछ रही हो। तो जवाब में ओरिन झूठ कह देती कि उसने बस एक सपना देखा। ओरिन अपने उस फोन को भी चार्ज करती है जिससे उसने 10 साल पहले सियोजुन की फोटो ली थी यानी कि अपने सपने में। ओरिन जैसी उस फोन को खोलती है उस फोन में सच में सियोजुन की वही फोटो थी जो उसने स्टूडियो के बाहर क्लिक की थी। अब जब सारे पजल्स के पीसेस जुड़ रहे थे तो ओरिन सोचती है कि अगर मेरे पास्ट के एक्शंस मेरे प्रेजेंट को इफेक्ट करेंगे तो क्यों ना मैं फिर से पास्ट में जाकर सियोजुन को बचा लूं। ये सब सोचने और समझने के बाद ओरिन फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है और ये सोचने लगती है कि वो फिर से पास्ट में कैसे जा सकती है। तभी ओरिन को उन फोटोज के बारे में याद आता है। ओरिन उनमें से एक फोटो निकालती है और उस फोटो को अपने फायर लैंप में डाल देती है। ओरिन अपनी आंखें बंद करके बस यही प्रे कर रही थी कि वो फिर से अपनी पास्ट में चली जाए और फ्यूचर को चेंज कर दे। दूसरी तरफ फोटो पर लिखी हुई डेट जैसे ही जलने लगती है वैसे ही ओरिन फिर से टाइम ट्रेवल करती है और 10 साल पहले अपने पास्ट में पहुंच जाती है। ओरिन जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी खुशी फूले नहीं समाती। वो अपने क्लासरूम में जाकर युनसोंग से पूछती है कि सियोजुन कहां पर है, पर सियोजुन से कोई जवाब ना मिलने पर ओरिन खुद से ही सियोजुन को पूरे स्कूल में ढूंढने लगती है। और जब सियोजुन उसे मिल जाता है तो वो उसके सामने अचानक से जाकर कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम बस मरना मत। सियोजुन ओरिन से पूछता भी कि तुम कहना क्या चाहती हो, तो ओरिन फिर से रिपीट करती है कि तुम्हें मरना नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें फिर से मरते हुए नहीं देख सकती। ओरिन की इस बात पर सियोजुन उसे घूरने लगता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।